वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ये जो है द प्रोपोगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव थ्रू ए मटेरियल मीडियम द क्वांटिटी ट्रांसमिट इन द प्रोपोगेशन। अगर कोई वेव किसी मीडियम में चल रही है, देखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या है, मैकेनिकल वेव है, मटेरियल वेव है, इसके लिए मीडियम तो चाहिए ही चाहिए यार। तो जब पार्टिकल मीडियम जब वेव चलती है तो आपको पता होगा कि वेव का मतलब होता है एनर्जी को कैरी करना। जिस तरह से ट्रक ट्रेन यूज होते हैं सामान को मटेरियल को कैरी करने के लिए, उसी तरह से वेव यूज होता है एनर्जी को कैरी करने के लिए, बराबर है। और वेव में मटेरियल ट्रांसमिट कभी नहीं होता, मास ट्रांसमिट कभी नहीं होता है, बराबर है। आधी तूफान वेव नहीं है यार, आधी आ गई स्नोफॉल हो रहा है, आधी आ गई स्नोफॉल हो रहा है, ये वेव नहीं है भाई। तो ये तो क्लियर हो गया वेव की बेसिक है। तो वेव केवल एनर्जी प्रोपोगेट करती है, मोमेंटम प्रोपोगेट नहीं करती है। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मतलब होता है यार mv, लीनियर मोमेंटम का प्रोपोगेशन मतलब मास का प्रोपोगेशन, जो कि गलत है मेरे भाई। तो केवल एनर्जी प्रोपोगेट करेगी, एनर्जी मोमेंटम प्रोपोगेट नहीं करती है, मास प्रोपोगेट नहीं करती, एनर्जी और मास प्रोपोगेट नहीं करती ये। चलो द टू ट्रेन्स मूव ईच अदर विद द सेम स्पीड। अब ईच अदर, एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, ईच अदर, ये इस तरह से टू ट्रेन मूव टुवर्ड ईच अदर विद सेम स्पीड। इसकी स्पीड भी है, इसकी भी स्पीड भी है। अब साउंड की जो स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकेंड हम लोग को लेना है, ऐसा क्वेश्चन में बताया जा रहा है। तो हाइट ऑफ द टोन, हाइट ऑफ द टोन मतलब क्या होता है, हाउ हाई और लो पीच मतलब होता है फ्रीक्वेंसी टोन। तो टोन ऑफ द क्रिस्टल ऑफ द देम हियर अदर 9 upon 8 times देन द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन व्हेन हियर ऑन द अदर चेंज ड्यू टू 9 upon 8 times देन स्पीड ऑफ ईच। हर एक ट्रेन की स्पीड निकालनी है। अब हुआ क्या यहाँ कि ये जो ट्रेन है उसने क्या किया, एक ट्रेन इसने सोर्स का साउंड जनरेट कर दिया, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी मान लो एफ, तो ये जो टोन सुनाई दिया वो 9 upon 8 times ऑफ अदर मतलब 9 upon 8 एफ इसको मिला एफ डैश, बिकॉज डॉपलर इफेक्ट होगा, बिकॉज एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं और ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा कुछ और इसको मिलेगा कुछ और ये। तो हम लोग को निकालना स्पीड ऑफ ट्रेन, क्लियर है। चलो तो मैं आपको जो डॉपलर इफेक्ट पढ़ाया था उसमें बताया था आपको कुछ एक ही फार्मूला हमेशा याद रखना है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश स्पीड माइनस OS ऑब्जर्वर बी माइनस सोर्स और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अगर ये फार्मूला याद है तो नीट लेवल में और मतलब जे मेंस लेवल में लगभग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ से मैं इसको लगाता हूँ, मैं इसको लगाने का आपको तरीका बताया था, कोई साइन कन्वेंशन याद करने की जरूरत नहीं है, एक डायरेक्शन में वेक्टर के साइन एक जैसे रहते हैं। चलो तो इधर साउंड जनरेट किया, सुन रहा है तो साउंड ऐसे आएगी, मतलब इधर मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ तो साउंड की स्पीड 340 इधर आ गई और इधर मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ। चलो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश की वैल्यू 9f मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू साउंड की स्पीड में भी ले लिया एंड ऑब्जर्वर की जो स्पीड है कहता टू विज स्पीड द स्पीड ऑफ साउंड 300 इफ द स्पीड ऑफ If the speed of them is here to not change it not times, then speed of each train हाँ निकाल लो। अब हमें भी अब दोनों की स्पीड सिंगल है, अगर ये इसकी स्पीड में वी डैश ले लेता हूँ तो मैं इधर ये इधर जा रहा है तो इधर पॉजिटिव है, ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर इस टाइम ये है क्योंकि मैं इससे साउंड कंसिडर किया हूँ तो ऑब्जर्वर ये है तो ये इधर आ रहा है इसके अपोजिट, तो इसकी स्पीड में वी डैश मान लेता हूँ तो ये प्लस वी डैश जो हमें चाहिए, और ये भी साउंड की स्पीड और सोर्स अभी मैं इसको कंसीडर किया इधर जा रहा तो ये माइनस वी डैश और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ। अब इसको सॉल्व कर लो और वी डैश की वैल्यू निकाल लो, स्पीड दोनों का सेम दिया हुआ है, एफ ने एफ को ख़त्म कर दिया और ये आ जाएगा 8v प्लस 8v इज इक्वल टू 9v और माइनस 9v। तो इसका मतलब ये हुआ ये इधर आया तो 9 16 17 वी डैश इज इक्वल टू
9v-8v दैट इज द v, इसका मतलब ये हुआ कि v डैश स्पीड आ जाएगी v अपॉन 17, v क्या था साउंड की स्पीड जो कि 340 है और डिवाइडेड बाय 70, 17 दोनों 34 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड दैट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोथ ट्रेन 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा ए ऑप्शन हम लोग का सही है बराबर है। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। द क्लोज आर्गन पाइप